अभी जो NFO खुला हुआ है वो है JM का स्मॉल कैप फंड, और इसके फंड मैनेजर हैं असित भंडारकर और चैतन्य चोकसी। और अब जैसा कि नाम है स्मॉल कैप है, तो फिर ये स्मॉल कैप फंड है जो कि इक्विटी में निवेश करने वाला है। ये कब खुला है? 27 मई से ये खुल रहा है, यानी अभी आपके पास ऑप्शन है, हम कुछ दिन दूर हैं, और ये 10 जून तक जो है इसका NFO चलेगा। क्योंकि स्मॉल कैप में निवेश है तो जोखिम जो है वो कंपनी ने बताया कि वो वेरी हाई कैटेगरी में रहेगा। इनका जो रिस्कोमीटर है वो कह रहा है कि वेरी हाई इसमें रिस्क है। मिनिमम निवेश आप कर सकते हैं 5,000 रुपये का, और ये स्मॉल कैप की कंपनियों में जो है निवेश करेगा। याद रखें कि एग्जिट लोड है 6 महीने से पहले, अगर आप इस स्कीम से निकलेंगे तो फिर आपको 0.01% का एग्जिट लोड देना होगा। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप फंड में जब भी आप निवेश करते हैं तो वो लंबे समय के लिए होना चाहिए। तो इस NFO पर मैं मृण आपसे पूछना चाहूँगी कि ये JM का स्मॉल कैप फंड का NFO आने वाला है, तो जब ऐसे NFO आते हैं स्ट्रीट में तो रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो जागता है कि भाई एक स्मॉल कैप आ रहा है और साथ में इसमें नाम जुड़ा हुआ है स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप को लेकर एनीवे रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत एक्साइटमेंट है। आप क्या कहेंगी इस NFO को, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं बाजार में स्मॉल कैप के जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिखाया है और उसके सामने एक नया फंड अब आ रहा है। I generally don't recommend NFOs. वो इसीलिए आई ओनली रिकमेंड, अगर आपको NFO में निवेश करना है तो ऐसे NFO में कीजिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, जिसमें आपको कुछ नया मिल रहा है, राइट? अब अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे फंड्स हैं स्मॉल कैप में जिसमें एटलीस्ट 10 ईयर की हिस्ट्री अवेलेबल है, एंड इट्स वेरी इजी टू गेज की विच आर द फंड्स दैट हैव गिवन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग टर्म, राइट? So I would generally not recommend an NFO in the small cap space, क्योंकि आपके पास existing funds हैं which are coming with a performance history. Of course, the same performance will not be repeated in the future. But still, I would wait and watch before taking exposure into a new fund. And of course, एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि काफ़ी लोग अभी भी सोचते हैं कि हमें 10 रुपये में मिल रहा है तो ये सस्ता हमें मिल रहा है। आपको देखना NAV नहीं देखना है, आपको देखना है कि NAV के ऊपर कितनी ग्रोथ होती है, राइट? सो जो एब्सोल्यूट NAV नंबर है, 10 रुपये हुआ या 100 रुपये हुआ, इट्स इमटीरियल कम्प्लीटली, राइट? सो आई विल से कि आई विल नॉट रेकमेंड दिस फंड। सुमरन, दैट ब्रिंग्स मी, अगर मैं ये पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं करूं तो NFO से आप क्यों कहते हैं? आपने फर्स्ट लाइन में ये डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं रेकमेंड ही नहीं करती हूं, क्यों कहती हैं? क्यों, अगर एक नई स्कीम आ रही है तो आप लोग क्यों मना करते हो? और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, और भी जितने एक्सपर्ट्स आते हैं वो मना करते हैं। क्यों दूर रहने की सलाह देते हैं आप NFO से? आई थिंक इट्स रियली द नोन वर्सेस द अननोन, राइट? जब एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अवेलेबल है जो हम चेक कर सकते हैं, वर्सेस बाइंग समथिंग दैट यू डोंट नो हाउ इट्स रियली गोइंग टू प्ले आउट। एंड स्पेशली इंडेक्स फंड्स में तो मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ NFOs, वो इसीलिए क्योंकि जो ट्रैकिंग एरर होता है, इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स फॉर द ट्रैकिंग एरर टू रियली पिकअप, राइट? एंड टू रियली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या ट्रैकिंग एरर होगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई रेकमेंड नॉट टू डू द NFOs. ऑफ कोर्स द एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी हायर फॉर NFOs कंपेयर टू एग्जिस्टिंग फंड्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग फंड्स में AUM ज्यादा होता है। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई आई डोंट रेकमेंड NFOs. ओके, और बात है स्मॉल कैप की, क्योंकि ये स्मॉल कैप का NFO है JM का, पर मैं बियॉन्ड JM के इस NFO के अलावा अगर बात करना चाहूँ तो स्मॉल कैप में हमने काफ़ी हीट देखी, हमने काफ़ी रिटर्न देखा, हमने काफ़ी इंक्विजिटिवनेस यानी लोगों की उत्सुकता देखी है। आप स्मॉल कैप यूनिवर्स को कैसे देखती हैं? So I certainly think कि small cap has a place in everybody's portfolio, but मैं ज़्यादातर क्या देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग performance के ऊपर invest करते हैं। तो अगर वो अच्छा performance देख रहे हैं small cap में तो हम देखते हैं कि small cap में बहुत inflows आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना, दो बातें हैं कि small cap is always going to be very very volatile, एंड इसीलिए जनरली हम पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर स्मॉल कैप 10 से 15 साल तक का बोलते हैं।
एंड अगेन ये मत सोच के जाइए कि इसमें आपको 20-25% रिटर्न मिलेगा या आपको 15-20% रिटर्न मिलेगा। इसमें भी मैं हर समय बोलती हूँ कि आपके जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए वो लो ही होने चाहिए, 10-12% के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। सो यू नो यू कैन सर्टनली हैव अ स्मॉल कैप फंड, बट रिमेंबर कि ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा। और अभी हम मार्केट का बस अच्छा फेज देख रहे हैं, जब मार्केट्स गिरते हैं तो काफी बार मैंने देखता है द फर्स्ट थिंग द स्मॉल कैप्स आर गोइंग टू फॉल द मोस्ट एंड दोज आर द फंड्स दैट पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू एग्जिट द फर्स्ट। सो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड वेन द मार्केट्स फॉल एंड ओनली इफ यू कैन रियली टेक दिस वॉलेटिलिटी एंड इफ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड यू हैव दैट पेशेंस टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस, देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप।